हैप्पी लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। हम अपनी मनपसंद जगह पर घर तो ले सकते हैं, लेकिन हम अपने मनपसंद पड़ोसी नहीं ले सकते। ये कुदरत की एक विडंबना है। पड़ोसी अगर अच्छा हुआ तो समझ जाइए कि आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली बन गई, लेकिन अगर पड़ोस हुआ बुरा तो बिल्कुल वही होगा आपके साथ जो आज भारत के साथ हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। मैं आज बात कर रहा हूं हमारे पड़ोसी चाइना की। चीन को लेकर मैंने अपने मार्च महीने के वीडियो में ये प्रेडिक्शन की थी, जरा देखिए। इस साल में देश में काफी अशांति का वातावरण रह सकता है, कुछ टेररिस्ट अटैक्स और स्पेशली भारत के पड़ोसी देशों के साथ, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा विवाद होने के आसार हैं, जो एक पॉइंट पे लड़ाई के मुहाने तक भी पहुंच सकते हैं। भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 ऐप्स को जब बैन किया तो चीन की तरफ से जवाब आया कि हम चाहें भी तो भारत का कुछ भी बैन नहीं कर सकते, क्योंकि भारत कुछ इतना इंपॉर्टेंट बनाता ही नहीं है कि हम उसे बैन कर सकें। अब इससे ज्यादा बेहुदा और घटिया टिप्पणी नहीं हो सकती थी इस माहौल में। इस घटना ने मुझे विवश किया कि मैं जरा चीन का बर्थ चार्ट तो देखूं चीन के चार्ट में ऐसे कौन से योग हैं कि चीन लगातार अपने पड़ोसियों की जमीनों पर कब्जा ही करता चला जा रहा है, और ग्रह गोचर इस समय क्या चीन की मदद कर रहे हैं। तो अगले 6 महीनों में ग्रहों के जो भी चेंजेस, जो भी बदलाव चाइना के चार्ट में घटित हो रहे हैं, वो कुछ ऐसे नतीजे लाने जा रहे हैं जो कम से कम चाइना ने तो कभी नहीं सोचे थे। चाइना की आजादी का समय यानी 1 अक्टूबर 1949 दोपहर के 3:15 और प्लेस है बीजिंग। इस समय के चार्ट को आजाद चाइना का बर्थ चार्ट माना जाता है। चाइना के चार्ट में लग्न लॉर्ड शनि 8वें घर में है और 12वें घर के लॉर्ड से एस्पेक्टेड है। ये एस्ट्रोलॉजी में एक तरह का कपट योग बनता है। इस योग के कारण ये मुल्क कपटी मेंटालिटी का मालिक है, किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, फिर चाहे वो जनता को एक्सप्लॉइट करके हो, पड़ोसी देशों से लड़के हो, या फिर पैसा बांट कर गरीब देशों में अपने मिलिट्री कैंप बनाकर हो। 30 जून से बृहस्पति का चाइना के 12वें घर में गोचर आया है। 12वें घर में गुरु केतु का कॉम्बिनेशन और नेटल राहु से मार्स का गोचर चाइना के लिए कुछ ऐसे योग बना रहा है जिसमें चाइना के कुछ छिपे हुए सीक्रेट यानी हिडन सीक्रेट्स सारी दुनिया के सामने आ सकते हैं। कोरोना वायरस के पैदा होने की कहानी, पड़ोसी देशों से लड़ने का सच और चीन के अंदर की कई और बातें दुनिया के सामने आएंगी। ये योग कुछ ऐसे बन रहे हैं कि दुनिया के कई देश खुलकर चीन के विपरीत आ जाएंगे और दुनिया में मानो चीन का बायकॉट करने की भी एक होड़ सी मच सकती है। इस दौरान चीन में एक और बीमारी भी फैल सकती है, या फिर कोरोना वायरस की एक और लहर भी सर उठा सकती है। चीन इस समय में दुनिया का ध्यान हटाने के लिए साउथ चाइना सी या फिर भारत के बॉर्डर पर अपनी गतिविधियां तेज कर सकता है, क्योंकि इसकी कुंडली में ऑलरेडी कपट योग है। 2020 के खत्म होने तक चीन की इमेज पूरी दुनिया में पूरी तरह से बदल चुकी होगी और चीन के इरादे भी सभी के सामने लाउड एंड क्लियर हो चुके होंगे। चीन की अभी बुद्ध की महादशा नई नई ही शुरू हुई है, जो कि बीमारियों और झगड़ों की कारक है। हालांकि ग्रह दशा भारत की भी इस समय कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन चीन के कंपेरिजन में ये समय भारत का तो काफी बेटर है। और इस संघर्ष में ये समय जो दोनों देशों का परस्पर समय है, भारत का क्लियर कट अपर हैंड बता रहा है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि चीन को जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि आए और सर्वत्र शांति का वास हो, लेकिन जिनकी कुंडली में ही कपट योग हो, सद्बुद्धि आना उनके लिए एक सपना ही होता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अपना और अपनों का खूब ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।